आप प्लीज़ इंडिया मीडिया की न्यूज़ खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। रूस ते यूक्रेन विचाले छिड़ी जंग नूं अज पंजवां दिन हो गया है ते इस सब विचकार हजारां भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन दे विच फसे हुए ने। तुहानू दस दी कि हुण यूक्रेन तो एक अजिही वीडियो सामने आई है जिस नूं देख के तुसीं परेशान जरूर होवोगे। जी हाँ, तुहानू दस दी कि यूक्रेन च फसे भारतीय विद्यार्थियों ते तशद्दुद ढाउण दी वीडियो एक सामने आई है जिस विच साफ देखा जा सकदा है कि भारतीय विद्यार्थियों दे नाल कुटमार की जा रही है। तुहानू दस दी कि भारतीय विद्यार्थियों के वलों पोलैंड के फौजियों से कुटमार करन दे इल्जाम लगाए गए हैं। ये वीडियो यूक्रेन तो सामने आई है जो कि तुहानू परेशान जरूर करेगी। ये भी दस दी कि भारतीय विद्यार्थियों के वलों भारत सरकार से गंभीर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारत सरकार के वलों उन्होंने कढ़न लई कोई भी पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए। वीडियो च साफ देखा जा सकता है कि भारतीय विद्यार्थियों के नाल कुटमार की जा रही है ते विद्यार्थियों के वलों भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि भारत सरकार के वलों उन्हें कढ़न की कोई कोशिश नहीं की जा रही। उन्हें वलों कहा जा रहा है कि झूठिया अफवाह फैलाई जा रही कि भारत सरकार के वलों हवाई जहाज के राही विद्यार्थियों नू यूक्रेन दे विचों कढ़िया जा रहा है। इंडियन एम्बेसी में ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स। जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहाँ पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है, और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारे कंट्रीज के सारे गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 किलोमीटर्स फ्रॉम आर करंट लोकेशन। हाउ आर वी एज अ स्टूडेंट सपोज टू रीच दोज बॉर्डर्स? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज़ इंडिया मीडिया की न्यूज़ खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20,000 से 30,000 बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स वो निकल पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये भी दस दी कि यूक्रेन च रूस के वलों बमबारी लगातार जारी है। खारकीव अते यूक्रेन की राजधानी कीव च बंब धमाके हो रहे ने। रिहायशी इमारतों ते मिजाइल हमले किए जा रहे ने। तुहानू दस दी कि चारे पासे तबाही मची होने दी तस्वीरां भी लगातार सामने आ रही ने जिन्हां दे विच साफ देखा जा सकदा है कि चारे पासे तबाही मची हुई है। ये भी दस दें कि यूक्रेन ते रूस के हमले च 14 बच्चों सने 352 नागरिकों की मौत हो गई है ते 1684 के करीब लोग जख्मी हो गए ने। तुहानू दस दें कि रूस ने दावा किया कि उसके फौजी सिर्फ यूक्रेन के फौजी टिकाणियों नूं निशाना बना रहे ने। उन्हां दा कहना है कि यूक्रेन के नागरिक आबादी नूं कोई भी खतरा नहीं है। ये भी दस दें कि रूस ने अपने सैनिकों के मारे जाने बारे कोई भी जानकारी साझी नहीं की है, पर यूक्रेन के वलों दावा किया जा रहा है कि उन्होंने वलों रूस के करीब 4500 सैनिक मार दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लुक चैनल।